आज मार्केट में फिर से दबाव देखने को मिल रहा है। आज अगर देखोगे तो चाहे आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कोई भी यहाँ पे कैप की बात करो, वहाँ पे मार्केट 1% के ऊपर टूटा है। आज गिरावट स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडेक्स में भी देखने को मिला है। आज मैं बात करूँगा क्या रीज़न है जो मार्केट को सबसे ज़्यादा प्रेशर में डाल रहे हैं और क्या आंकड़े आने वाले समय में मजबूत होंगे, इस पे बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सलूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम मार्केट के मूवमेंट को देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे इंडेक्स में कितना गिरावट है। आप निफ्टी 50 पे नज़र डाल सकते हो, करीबन 1% के ऊपर का गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 257 पॉइंट यहाँ पे टूटा है। निफ्टी स्मॉल कैप 50 की बात करूँ तो करीबन 136 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट है। 1.54% का दबाव यहाँ भी देखने को मिल रहा है। निफ्टी मिड कैप 100 में करीबन 596 पॉइंट का दबाव है। 1% के ऊपर का यहाँ भी दबाव देखने को मिल रहा है। BSE स्मॉल कैप की बात करूँ तो करीबन आप देख सकते हो 681 पॉइंट का यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है। 1.26% का यहाँ भी दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी मिड कैप 50 में करीबन 1.21% का गिरावट, 187 पॉइंट का यहाँ भी गिरावट दर्ज किया गया है। और निफ्टी IT में यहाँ पे मामूली सा पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला, 19 पॉइंट यहाँ पे प्लस में देखने को मिला, 0.05% का पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला। तो आप देखोगे तो यहाँ पे हर एक इंडेक्स में गिरावट है, लेकिन जो निफ्टी IT है उसमें आंकड़े हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप का आंकड़ा, जी हाँ, सबसे ज़्यादा गिरावट में देखने को मिला है। वैसे ही देखो, अगर मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स आपके सामने रखूँ जो निफ्टी 50 में काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाए हैं, तो आपके सामने है ब्रिटानिया, करीबन आज 8% के करीब में टूटा है, 407 रुपये ये गिरा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करूँ तो ये 3% के ऊपर टूटा है। यहाँ पे NTPC में भी करीबन 3% के ऊपर का दबाव है। HDFC बैंक भी करीबन 48 रुपये गिर के 2.72% के डाउन में बंद हुआ है। एशियन पेंट में यहाँ पे 2.68% का गिरावट है। 68 रुपये का गिरावट यहाँ भी दर्ज किया गया है। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी 50 को नीचे की ओर खींचे हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो निफ्टी 50 को सपोर्ट किए हैं, जैसे कि ट्रेंट में आज 0.74% का जंप देखने को मिला, इन्फोसिस 0.47, सन फार्मा में 0.35, HCL टेक 0.20 और रिलायंस में मामूली सा 0.12% का जंप देखने को मिला। हालांकि अगर आप नोटिस करोगे तो गिरावट वाले जो स्टॉक्स हैं उसमें गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, लेकिन कहीं पॉजिटिव आंकड़े हुए हैं उसमें मामूली से आंकड़े जुड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो गिरावट हो रहा है, लगातार मार्केट में दबाव देखने को मिल रहा है। एक समय ऐसा था निफ्टी हमें 26,000 के आसपास देखने को मिल रहा था, आज 23,000 समथिंग पे खड़ा है। एक समय ऐसा था कि जो सेंसेक्स 85,000 के करीब में काम कर रहा था, वो आज 78,000-79,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब ये जो लगातार गिरावट हो रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूँ। यही आंकड़े बार बार मार्केट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। रीजन की बात करते हैं, एशियाई बाज़ार में कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हैं, उसमें आज दबाव देखने को मिला है। अब ऐसा दबाव क्यों रहा है? देखो, ट्रंप के आने के बाद अभी भी यहाँ पे कुछ आशंकाएं बने हुए हैं कि ऐसे सेक्टर में डिमांड बढ़ सकता है। ट्रंप के साइड से कुछ ऐसे डिसीजन आ सकते हैं जहाँ पे इस सेक्टर में जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वहाँ पे दबाव बनता हुआ देखने को मिल सकता है, और इसका असर इंडियन स्टॉक्स मार्केट पे भी आज देखने को मिला। दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो देखो, अक्टूबर के मंथ में FII ने करीबन 1,00,000 करोड़ के ऊपर का बिकवाली किया, और अगर मैं यहाँ पे नवंबर का आंकड़ा देखूँ तो नवंबर में अभी तक जो है 26,000-28,000 करोड़ का बिकवाली FII के साइड से देखने को मिल रहा है। मतलब अब बिकवाली जो है वो रुकता हुआ नहीं देखने को मिल रहा। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जो अक्टूबर में जितना बड़ा फिगर देखने को मिला वो अब नवंबर में फिगर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये आंकड़े थमते हुए नहीं देखने को मिल रहे हैं। जब तक यहाँ पे कुछ FII के साइड से ठहराव नहीं देखने को मिलेगा, मार्केट में ये लगातार गिरावट बनता हुआ देखने को मिल सकता है, और देखो इसका असर रिटेल इन्वेस्टर पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो देखो, अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूँ तो लगातार ये कमज़ोर होता जा रहा है ट्रंप के आने के बाद। जी हाँ, इंडियन करेंसी में यहाँ पे दबाव बनता हुआ देखने को मिल रहा है।
यूएस डॉलर इंडियन करेंसी के अगेंस्ट यहाँ पे और मजबूती से देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ पे करेंसी जो है, जो इंडियन करेंसी है, वो कमज़ोर होती नज़र आ रही है और इसका असर भी इंडियन स्टॉक्स मार्केट पे देखने को लगातार मिल रहा है। देखो, ये भी आशंका जताया जा रहा है कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन रेट में इजाफा हो सकता है। अगर महंगाई दर बढ़ा तो और ज़्यादा मार्केट यहाँ पे टूटने का आशंका जताया जा सकता है और मार्केट में और ज़्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। अभी की आंकड़े की बात करूँ तो करीबन 5.8% का यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट देखने को मिल रहा है, जो कि बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब अगर यहाँ से और बढ़ता है, जी हाँ, 6% के ऊपर अगर जाता है, तो एग्जैक्टली इसका असर इंडियन इकोनॉमी पे देखने को मिलेगा और स्टॉक्स मार्केट में और ज़्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। अगले पॉइंट की बात करूँ तो देखो, मार्केट को सबसे ज़्यादा डैमेज ये पॉइंट ही कर रहा है। अगर आप चेक करोगे तो बहुत ऐसे कंपनी हैं, जी हाँ, जिनका तिमाही रिजल्ट काफ़ी ख़राब देखने को मिल रहा है। अब कई ऐसे स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, आज 7% टूट गया, आज 8% टूट गया। जी हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छा नहीं आता है, जिसके चलते ऐसे स्टॉक्स में धड़ाधड़ बिकवाली देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले एशियन पेंट्स में भी करीबन 8% का गिरावट था। कुछ दिन पहले कई ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पे 5% 7% का गिरावट भी देखने को मिला था। जी हाँ, जहाँ पे तिमाही रिजल्ट सबसे खराब आता हुआ देखने को मिल रहा है, वहाँ पे 8 से 10% का गिरावट ऑन द एवरेज देखने को मिल रहा है। ये जो तिमाही रिजल्ट है, जी हाँ, इसके चलते इंडियन स्टॉक्स मार्केट, स्पेशली जो लार्ज कैप इंडेक्स है, वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा है, जिसके चलते दबाव और गिरावट बनता ही रहा है और सेलिंग का प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। देखो, अब इतने सारे जो न्यूज़ है, इतने सारे जो इन्फॉर्मेशन है, जो मार्केट को दबाव बना रहे हैं, मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है, रिटेल इन्वेस्टर भी सहमे हुए हैं और अपना पैसा हाथ में लेके बैठे हुए हैं। कुछ हद तक देखो, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे न्यूज़ आते हैं जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करते हैं और फिर अपना हाथ खींच लेते हैं, सहम सा जाते हैं एग्जैक्टली कि गिरावट हो ही रहा है, रुक ही नहीं रहा है, तो इन्वेस्टर यहाँ पे, जी हाँ, कुछ इंतज़ार कर रहे हैं और ज़्यादा गिरावट होने का संभावना देखने को मिल सकता है अगर मार्केट में, जी हाँ, ऐसे ही नेगेटिव पॉइंट बनता जाए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को बता दूं कि आपको ऐसे गिरावट से डरना नहीं है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरता ही जाएगा, कभी ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि मार्केट रिकवर भी होगा। जी हाँ, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते रहना और कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम जब लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं तो हमें बस गिरावट पे कुछ ना कुछ लमसम करना है, अपने SIP को कंटिन्यू करना है, पैसा अच्छा खासा बनता हुआ देखने को मिलेगा। हाँ, गिरावट में देखो, जब आप डायरेक्टली स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करते हो तो बहुत सारे पॉइंट्स का आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिस पॉइंट्स पे आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, क्या वहाँ से वो स्टॉक्स ऊपर जंप करेगा, क्या वैसे स्टॉक्स में आपको पैसा लगाना चाहिए, क्या वैसे स्टॉक्स का बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट काफ़ी स्ट्रांग है, क्या वैसे स्टॉक्स में आपको पैसा बन सकता है। अगर आप स्टॉक्स में इंटर कर रहे हो, अभी फ़िलहाल जो गिरावट दबाव में मार्केट है यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो नुकसान होने का चांसेस काफ़ी आपको ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। तो ये था आज के वीडियो का विश्लेषण। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर, कमेंट बॉक्स में आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।